चलिए टीचर्स जरा इनसे पूछ लेना भी, अगर कोई फर्स्ट चैप्टर में साइंस में कोई डाउट है तो दे के ना आस्क मी, राइट? तो कल आपकी छुट्टी है बच्चों? यस, एंड डे आफ्टर टुमारो यू हैव टेस्ट, राइट? और साइंस का पेपर कब है बेटा? थर्ड थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर है, कौन सी डेट को? सिक्स को पेपर है। ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलिए जी बेटा, हम जल्दी से फिर ना, चलिए मुझे कौन बताए, रेज योर हैंड्स, राइट? ऐसे नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मे अकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन आपको पता है, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? दैट इज चेंज ऑफ फर्टाइल लैंड। पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या मतलब है चेंज ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। इसके कारण क्या हो रहा है, राइट? सो सिक्स ए, रोल नंबर 5, इज देयर रोल नंबर 5 सिक्स ए? सिक्स ए में अगर रोल नंबर 5 है तो माइक के सामने आ जाओ जल्दी से। चलिए नो प्रॉब्लम, द फर्स्ट गर्ल सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, आप आ जाओ बेटा जल्दी से माइक के सामने, क्विक। हाँ जी, चेंजेस मे अकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या चेंज आता है बेटा? स्क्रीन पे देखो, इधर देखो ध्यान से कि क्या एटमॉस्फेरिक, अगर फर्टाइल लैंड डेजर्ट में चेंज हो जाए तो क्या क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाएगा? क्या सॉयल की, पेड़ ना हो डेजर्ट हो जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉयल वाटर को ज्यादा अपने में होल्ड कर पाएगी, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स बहुत आएंगे, या कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट? क्या होता है डेजर्टिफिकेशन में, बोलो बोलो सामने देख के बोलो जोर से। फोर्थ आंसर, वेरी गुड, बैठो बेटा, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेटा अगर हमने कंजर्व करना हो किसको, अपने वाइल्ड लाइफ को, अगर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना हो तो वी हैव ए प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है कि हम किसमें कंजर्व कर सकते हैं? नेशनल पार्क, नेशनल सेकंड क्या हो सकता है, सेंचुरीज, एट्थ है बेटा इधर, या फिर थर्ड आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। एट्थ ए बेटा, एट्थ ए, डिस्टरबेंस नहीं बचे, आराम से माइक ऑफ कर दो, है ना, जब हम कहेंगे तो ऑन कर लेना, बच्चे आगे आ जाओ। बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीन नेचुरल एरियाज है, दीज आर देयर नेचुरल हैबिटेट्स जहां पे हम ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व, नॉट प्रिजर्व बट कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? नेशनल पार्क बेटा, दीज आर कंजर्व्ड एरियाज वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। यहाँ पे जाकर थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, कोई पेड़ की टहनियां नहीं तोड़ सकते, कोई नीचे से टहनियां नहीं इकट्ठी कर सकते, कोई फूल, कोई पत्तियां, कोई बर्ड्स, कुछ नहीं कर सकते, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। सेंचुरीज में, सेंचुरीज में बेटा ध्यान से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में, कंजर्व्ड एरियाज, यहां भी हम ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करते हैं,
वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। एसीटी मीन्स एक्टिविटीज अलाउड, कौन कौन सी, सच एज कलेक्शन ऑफ ट्विग्स जो नीचे गिर जाती है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिकल पर्पजेस या मेडिसिनल पर्पजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी एक लिमिटेड एक्टिविटी है कि हम यहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स इकट्ठे कर लें, ठीक है, यहाँ से हम ट्विग्स नीचे गिरी हुई लकड़ियां जो है फायरवुड के लिए वो इकट्ठी कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं सेंचुरीज में, राइट। उसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड अलोंग विद ट्राइबल, जो हमारे ट्राइबल्स ह्यूमंस ट्राइबल सोसाइटीज यहाँ पे रहती है हम उनको भी कंजर्व करते हैं। वो लोग जो ट्राइबल पीपल है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, वहां यहाँ पर वो कुछ प्लांट्स को काट भी सकते, मतलब बिल्कुल जड़ से नहीं बट कुछ प्लांट्स है वो उनके फ्रूट्स ये सब इकट्ठे कर सकते हैं, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिमेम्बर दैट कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में इट इज द वेरी लार्ज एरिया, विच मे हैव नेशनल पार्क्स एज वेल एज सेंचुरीज। एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है एक दो नेशनल पार्क्स हो, एक दो सेंचुरीज हो, ये सब आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिल जाएगा, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें कुछ एरिया ऐसा है जहां पे ह्यूमंस जा नहीं सकते, कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पे हम मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, और कुछ एरिया ऐसा है जहां पे ट्राइबल्स भी रह रहे हैं और ट्राइबल्स ने वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपनी जरूरत का सामान भी ले रहे हैं। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबडी? यस, वेरी गुड। लिख लो अब इसको, अगर किसी ने लिखना है तो ये लिख लो। डिफरेंस आ सकता है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व या इनमें से इंडिविजुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। डन स्टूडेंट्स, चले आगे। यस 8th B कर लिया बेटा। चलिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए बायोस्फीयर रिजर्व? यस 8th B। मैम लास्ट रो में दो गर्ल्स बैठी हुई है, उनमें से किसी एक को भेज दो जल्दी से, क्विक, टाइम नहीं लगाना बेटा, आ जाओ भाग कर आओ। यस, माइक ऑन करके बताना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ जी, कौन सा आंसर आएगा? इट इज प्रोटेक्टेड वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लिव, ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्व बोथ प्लांट्स एनिमल्स एज वेल एज कल्चर ऑफ दैट एरिया, देर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट्स। कौन सी चीज करेक्ट है बेटा? सी पार्ट, बिल्कुल ठीक है। कल्चर ऑफ दैट एरिया का क्या मतलब है? दैट इज जो ट्राइबल्स है हम उनकी बात कर रहे हैं। बैठो बेटा, वेरी गुड, इट इज सी पार्ट विच इज करेक्ट। ठीक है, एवरीबडी एग्रीज विद इट? यस, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। सिक्स्थ सी, नॉट सिक्स्थ, आई एम सॉरी, एट सी। सर पीछे बॉयज है, इनमें से किसी को भेजिए, जल्दी से आ जा बेटा। वेरी गुड, कम क्विकली। एंडेमिक स्पीशीज, ट्रू बताना है हमने इसमें, तीन में से कौन सा ट्रू है। ए दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द स्पेसिफिक ए हैबिटेट, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम देखें, वैसे तो ये ऑप्शन है, एंडेमिक स्पीशीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड। बेटा वो तो बेचारे बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, व्हाई दे आर प्रोन टू। हम इसका थोड़ा सा आंसर लिख सकते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज आर एंडेंजर्ड एनिमल्स बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन द स्पेसिफिक एरिया, राइट? ठीक है जी, ये कुछ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं बेटा? एट एट्थ ए के। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सो दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट एंड प्रोन टू बी एंडेंजर्ड, प्रोन टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह पर ही मिलते हैं, दूसरी जगह पर मिलते नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है। दे आर फाउंड ओनली इन, ये तो गलत है, जूज एंड बोटेनिकल गार्डन। दे आर अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय, नहीं, दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, ए इज करेक्ट। वेरी गुड बेटा, अपनी सीट पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हाँ जी, एट्थ डी, वेर इज एट्थ डी, रेज योर हैंड्स, एट डी कहाँ पर है? यस, वेरी गुड, द फर्स्ट गर्ल नियर द माइक। हाँ जी बेटा, इसका आंसर दो, माइक ऑन करो। हाँ अब बताओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो जरा, ए ऑप्शन बेटा इट इज, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहले तो आपको क्या बताना है, ध्यान से सुन, देख लो, अब आप एक बार सारे पढ़ लो। हाँ जी, पहले तो करेक्ट बताना है, क्या सेंचुरी फॉर एनिमल्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है कि नेचुरल है? बेटा नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो है ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरी बात, इट इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, ये ठीक है ना? सिर्फ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड के लिए नहीं, सभी के लिए है। इट इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीशीज, ये भी नहीं। कैप्चरिंग एंड पोचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पोचिंग? हंटिंग, बिल्कुल ठीक है। इट इज कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर, तो ये करेक्ट है, यस और नो? यस सेंचुरीज में हम इसको नहीं कर सकते, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, बैठो बेटा। विच स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान से सुनो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज? पढ़ो जरा ध्यान से। एट्थ ई ने बताना, एट्थ ई कहां पर है? यस, एट्थ ई में से बच्चे, हाँ, एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है, आ जाओ फटाफट से। मिडल रो में एक बॉय का हाथ खड़ा है, आई थिंक सेकंड बेंच। आजा 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 बेटा, विद स्पेक्स। हाँ जी हाँ जी, आपको ही बुलाया, बोलिए। इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज, हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा? माइक ऑन करो बच्चे। गए, तो हम बात कर रहे थे बेटा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब है देयर फ्यू मेंबर्स आर लेफ्ट एंड इफ नॉट कंजर्व्ड
अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया देन दे बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। बातें बिल्कुल भी नहीं बेटा, नो डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस, एट स्टेप बेटा इधर ध्यान दो, ठीक है? कि अगर इन एनिमल्स को इतना थोड़ा नंबर इनका रह गया है कि अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएंगे अर्थ से, राइट? तो विच इज इनकरेक्ट। हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? एट्थ एफ, एट्थ एफ द लास्ट बॉय इन द मिडल रो। आ जा बेटा जल्दी से आ जा, भाग कर आ जा, रन क्विकली। देयर नंबर हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली, दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन ईयर, दे पोज अ डेंजर टू अदर एनिमल्स, देयर नेचुरल हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? हाँ जी एट सेफ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दे पोज डेंजर, ऑफ तो नहीं है, दे पोज डेंजर टू अदर एनिमल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको तो बेचारों को खुद ही खतरा है, ठीक है? तो दिस इज सी, राइट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, द रेड डाटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, यस हु विल टेल मी? रेड डाटा बुक, बेटा इसको रेड डाटा बुक क्यों कहते हैं? इसके पेजेस ना डार्क पिंक है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? रेड डाटा बुक कह दिया, ठीक है? और इसमें किस किस चीज के, इनमें किस किस चीज के है, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, यहाँ पे दो ही, चलिए एंडेंजर्ड प्लांट्स का भी है, एंडेंजर्ड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ये वैसे सारे ही होने चाहिए बेटा, एंड एंडेमिक स्पीशीज। रेड डाटा बुक कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल, अपनी कॉपी में लिख लो, यहाँ पे चॉइस नहीं है, बट 1, 2, 3 एंड 4 सबको, द रेड डाटा बुक कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द। बट अगर यहाँ पे यही ऑप्शंस आ जाएं तो हम, वैसे तो ये सबका रिकॉर्ड होता है बट मेनली इन दो का ज्यादा रिकॉर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो ये है, वैसे तो सबका है बट ये दो मेन है, एंडेंजर्ड प्लांट्स लिख लो अपनी कॉपी में, द रेड डाटा बुक कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स अलोंग विद एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज। अलोंग विद मतलब ये दो मेन है, अलोंग विद एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। देन नेक्स्ट है जी, यस माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ एरियाज ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। साइबेरियन, आपको पता है राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, डू यू नो दिस, यस और नो? कितनों को पता है, हाथ खड़ा करो। ओके बेटा, राजस्थान में नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और वहां पे साइबेरिया से, रशिया से बहुत सारे बर्ड्स फ्लो करके वहां पर आते हैं। क्यों आते हैं, राइट? क्योंकि साइबेरिया में क्या, कब आते हैं? सर्दियों में, तो किस लिए? यस हाँ जी, इधर 8 BC, सी है यहाँ पे, नहीं ई है, 8th E, 8th E बेटा, सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं उसमें से कॉर्नर गर्ल, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, यस वेरी गुड। बताइए जरा कि किस गुड मॉर्निंग बिहेवियर मैम। के कारण, गुड मॉर्निंग बेटा,
किस बिहेवियर के कारण जो है ये माइग्रेट करते हैं, या उनके हैबिटेट में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण। मैम एक्सट्रीम वाटर वेदर कंडीशंस, और दो है ना ऑप्शंस, और क्या होगा? अनअबिलिटी ऑफ फूड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। इट इज वन एंड टू, आंसर इज बी। ग्रेट करते हैं। एट सी, ध्यान से इधर देखो कि क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। साइबेरिया में से बर्ड्स इंडिया में या एशिया में और प्लेसेस पर भी आते हैं, क्यों? बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, तो ना तो उन्हें खाना मिलता है और इतनी ठंड में वो रह नहीं सकते। दैट्स वाई दे माइग्रेट टू द वार्मर प्लेसेस। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, राइट? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो चारों अपने ध्यान से देखो जरा। एट सी में से हम पूछेंगे, चलिए इधर से आ जाओ जल्दी से, फटाफट से ये देखो कि इनमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। क्विकली, कैन यू हियर मी? एट थी, ओके ओके, जल्दी से ये चारों स्टेटमेंट्स देखो, जल्दी से देखो कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। चलिए ओके ओके ओके, यस यस यस, एट्थ है, क्वाइट, एकदम क्वाइट। एट सी, एट सी बेटा, द स्टूडेंट नियर द माइक। एट सी, ये बताइए, देयर कैन बी ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें कई सेंचुरीज, कई नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है बेटा, प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फौना। एट्थ डी, मिडल रो, सेकेंड बेंच, द गर्ल सिटिंग। जल्दी से आ जाओ, वेरी गुड। प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फौना। ट्रू ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। ट्रू नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी। एट्थ बी, यस, द फर्स्ट बॉय, लेफ्ट साइड। फॉल्स सेकंड सेकंड फॉल्स है, हाँ ये फॉल्स है, आई एम सॉरी, दिस इज फॉल्स, क्योंकि फ्लोरा आना चाहिए, फौना नहीं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, डिफॉरेस्टेशन टू एन फॉल्स इंक्रीज इन, यस इट इज फॉल्स। देन एट्थ ए का कोई स्टूडेंट, एट्थ ए समबडी, बेटा शरारत नहीं, एट्थ ए एंड ई, एट्थ का स्टूडेंट समबडी कम्स फॉरवर्ड। बिसन इज एन एंडेमिक फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यस, एट्थ ए, एक्सक्यूज मी, चलिए फिर मैं बुलाऊंगी। यस, एट्थ ई में से बेटा, मिडल रो, फोर्थ बेंच, द बॉय सिटिंग, कम फॉरवर्ड जल्दी से। लेफ्ट साइड में जो बॉय है वो आ जाओ, फोर्थ रो में से लेफ्ट साइड पे जो बॉय है आ जा, जल्दी से आ जा। बिसन, बिसन क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको। इट इज, गुड गुड मॉर्निंग बेटा, बिसन इज एन एंडेमिक फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है कि गलत है?
फॉल्स। नहीं बेटा, इट इज ट्रू। पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व में बिसन क्या है? जंगली भैंसा है ना, जंगली भैंसे को बोलते हैं बिसन, और वहां का वो एंडेमिक स्पीशीज है। दिस इज ट्रू, ये लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मैंने वैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था। बैठो बेटा, बिसन इज एन एंडेमिक फौना ऑफ पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। और बिसन क्या है? बिसन इज द जंगली भैंसा। बातें नहीं, 8th F। बेटा अपना माइक ऑफ करो और इधर ध्यान। कैन ए फॉरेस्ट रीजेनरेट, कैन ए फॉरेस्ट रीजेनरेट नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? क्या फॉरेस्ट रीजेनरेट कर सकता है? ओ, इट कैन नॉट रीजेनरेट, इट कैन नॉट रीजेनरेट एज ट्रीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। और उसके बाद ही एनिमल्स वहां पर आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है जी, वाई आर एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट? ये मैंने आपको बताया था। रेज योर हैंड्स, जिस जिसको आज हमने शुरू में भी बात की। एनीबडी? यस, 8th D, वन गर्ल, यस, फ्रॉम द फर्स्ट बेंच। आ जाओ आ जाओ, यहीं से बोलोगे तो आ जाएगा, आपकी आवाज आ जाएगी। बिकॉज क्लाइमेट भी है, और बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस ओनली। क्या? रखो, बंद करो माइक और फिर लिख लो। क्यों ये ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट? बिकॉज, ये क्वेश्चन लिख लो और आंसर है बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक हैबिटेट। बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक हैबिटेट एंड एनी चेंज इन द हैबिटेट पोजेस थ्रेट टू एंडेमिक स्पीशीज। पोजेस थ्रेट टू द एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है जी, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। क्वेश्चन व्हाट आर द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बेटे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पे हम ये कहते हैं, ये चैप्टर बाद में भी आ जाता है, तो वहां पे एक टर्म आ जाती है, दैट इज एविन क्वार्टेट। एविन क्वार्टेट, क्वार्टेट क्या है? चार। क्वार्टेट मीन्स क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज फोर। तो एविल, चार ऐसे कौन से भयानक कारण है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी
लूज होती है। तो अगर आप एविल क्वार्टेट चार याद रखोगे तो तब आपको याद आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, या फिर अगर किसी को डिस्ट्रक्शन ऑफ इतना बड़ा नहीं वर्ड याद आ रहा तो आप सिंपल कह सकते हो डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड आ जाता है लार्ज पॉपुलेशन, एंड पोल्यूशन। थर्ड आ जाता है बेटा एक्सेसिव हंटिंग, एक्सेसिव हंटिंग। एंड फोर्थ आ जाता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ आउटर स्पीशीज। आउटर स्पीशीज, कोई स्टूडेंट जिसको मैंने बताया था कि आउटर स्पीशीज का क्या मतलब है, यस एनीबडी, आउटर स्पीशीज का दूसरा क्या नाम है? जैसे कांग्रेस ग्रास है उसको क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम वी हैड टोल्ड यू, रेज योर हैंड जिसको याद है फटाफट से। यस देयर इज वन इन एट्थ एफ। हाँ जोर से बोलो, वैसे मैंने आपका माइक ऑफ किया हुआ है बट दीज आर एग्जॉटिक स्पीशीज। वेरी गुड वेरी गुड। आउटर स्पीशीज का दूसरा नाम है एग्जॉटिक स्पीशीज। ये चार याद रखने हैं, बहुत जरूरी। ठीक है जी, याद रहेंगे बच्चों? और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इनके बीच में कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है, दैट इज ट्रीज आर किल्ड एंड द एनिमल्स द इंसेक्ट्स लिविंग ऑन द ट्रीज दे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, इज इट ओके? उसके बाद लार्ज पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन ड्यू टू विच मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव देयर, मेनी फॉरेस्ट आर कट टू मेक होम्स फॉर द लार्ज पॉपुलेशन। एक्सेसिव हंटिंग, फॉर एग्जाम्पल डोडो, अ बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट। ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग, लिख लो एग्जाम्पल, लिखोगे ज्यादा नंबर मिलते ही मिलते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, कांग्रेस ग्रास। कॉज्ड एक्सटिंक्शन, कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी, ध्यान से, मेनी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ग्रास ने कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये जो है ये आपने याद रखना है। ओके एवरीबॉडी क्लियर? ओके ओके ठीक है। बस क्वार्टेट याद रखोगे ना तो चार रीजंस वो आपके माइंड में रहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग,
पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। एग्जाम्पल्स कर दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफरेंसेस इन नेशनल पार्क, देन सेंचुरीज एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने आपको करवा दिया है, आई होप यू कैन डू दैट। देन डिफरेंसेस इन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, याद रहेगा बेटा एक्सटिंक्ट का मतलब है जो सभी खत्म हो गए हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज हुज नो मेंबर, नो लिविंग मेंबर इज फाउंड ऑन द अर्थ। एंडेंजर्ड, देयर पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सटेंट दैट इफ दे आर नॉट कंजर्व दे विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। विल यू डू इट, येस और नो? रेज योर हैंड, बोलने की माइक को जरूरत नहीं है, रेज योर हैंड अगर आपको पता है, कर लोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप दिस चैप्टर। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सोलर रेडिएशन रीचेज ऑन द अर्थ बट दे आर ट्रैप्ड इन द एटमोसफियर, दे आर नॉट अलाउड टू एस्केप। ऑल सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ बट आर नॉट अलाउड टू एस्केप, दस गिव्स वार्मिंग इफेक्ट टू द अर्थ। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण है? इंक्रीज इन सीओ टू। इंक्रीज इन सीओ टू किसके कारण है? डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन से इंक्रीज इन सीओ टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। इज इट ओके? ठीक है जी। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर, यू नो, थ्री चैप्टर्स, दैट इज क्रॉप डेवलपमेंट, उसके बाद अनदर इज साउंड एंड अनदर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो विल यू गेट फुल मार्क्स? यस, ट्राई हार्ड। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चंस को रट्टे नहीं। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चंस, जो मैडम ने क्वेश्चंस करा दिए, मैंने करा दिए, उनको क्रैम नहीं करना है। जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स आपकी दी है उनको रिवाइज करना है, और दूसरा अपनी बुक्स को रीड करना है। बुक्स को रीड करोगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, यस और नो? ठीक है, अगर बुक्स रीड करके आप एग्जाम दोगे यू विल श्योरली गेट 100% मार्क्स, राइट? तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके बेटा, बाय बाय, बाय बच्चे, बाय।